दोस्तों आप देख सकते हो इस ऐप में मोबाइल के द्वारा आप अपना सारा सिस्टम देख सकते हैं किस तरीके से अर्निंग वगैरह। भैया थोड़ा सा बताइए इसमें अर्निंग वगैरह कैसे क्या बता रहा है इस ऐप में। ये देखिए आज की अर्निंग बता रहा है 67.2 रुपीस और आज इसने बनाया है देखिए 9.6 यूनिट। अभी अभी कितना बज रहा है, अभी एक बजा हुआ है, अभी 9.6 यूनिट इस महीने में अभी तक यूनिट बना चुका है 545 यूनिट जुलाई में। मतलब 4 किलोवाट में अभी आप क्या क्या चीज इसमें से चला लेते हैं? हम इसमें 4 किलोवाट में हमारे दो एसी चल रहे हैं, बाकी घर के जितने अप्लायंसेस होते हैं फ्रिज है, टीवी है, वॉशिंग मशीन है, सारी चीजें चल रही है। हमें जैसा बताया गया था कि 90% तक कम हो जाता है जो कि मेरा हो चुका है। तो बेनिफिट आपको कैसा रहा इसमें? मतलब एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। था क्या सब्सिडी वगैरह मिली थी आपको? हाँ जी सब्सिडी मिली है मुझे। तो मतलब कि 1 किलोवाट में कितनी सब्सिडी देती है गवर्नमेंट? 1 किलोवाट का तो नहीं पता लेकिन 4 किलोवाट में 1,08,000 की सब्सिडी आई है। तो उसका क्या? दोस्तों आज हम लोग आ चुके हैं कानपुर में और यहाँ पे आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ सोलर पैनल। जैसे आप दोस्तों देख सकते हैं कि मैं खड़ा हूँ सोलर पैनल के नीचे। आज हम यहाँ पे जानकारी देने वाले हैं। जैसे आप लोगों को पता होगा कि पीएम सोलर योजना के तहत जो कि बिजली का बिल जैसे जीरो करने की जो स्कीम चलाई गई है सरकार के द्वारा, तो उसकी पूरी जानकारी देने वाला हूँ। आज हम लोग आ चुके हैं कानपुर के एक ऐसी साइड में जहाँ पे आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से अगर आप लोग सोलर पैनल लगाते हैं उसके बाद में आपका बिजली का जो बिल है कैसे जीरो होने वाला है। अगर आप ये पैनल लगाते हैं तो सब्सिडी कितनी मिलने वाली है इसकी पूरी जानकारी आपको मैं आज दिलाने वाला हूँ। तो बिना देरी करे हुए दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे एक हमारे जिनके घर पे ये सोलर पैनल लगा हुआ है उनसे हम बात करेंगे और पूरी जानकारी लेंगे किस तरीके से आप यहाँ पे सोलर पैनल आप लगवा सकते हैं और क्या बेनिफिट रहने वाला है इसकी पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। हमारे साथ में जुड़ चुके हैं जो साइड में मैं आया हूँ जिनके घर पे ये सोलर लगा हुआ है, इनसे पूरा जानेंगे इनको ये बेनिफिट कैसे मिला और कितनी सब्सिडी मिली इसकी पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो सर पहले ये बताइए कि जैसे ये सोलर पैनल के बारे में आपको जानकारी कहाँ से मिली और आपने सोलर पैनल कहाँ से लगवाए हैं? ये सोलर पैनल की जानकारी मुझे कुछ ऑनलाइन मिली थी जी, कुछ मैंने खुद अपनी रिसर्च करी पढ़ा, पीएम सोलर बिजली योजना के बारे में मैंने सुना, उसके थ्रू मैंने फिर यहाँ पे है ओम सोलर इंटरप्राइजेस के थ्रू हमने यहाँ पे उनसे संपर्क किया तो उन्होंने हमको सारी चीजें बताई और फिर हमने जिसको लगवाया। तो सर जैसे मैं देख रहा हूँ आपके सारे जो पैनल लगे हुए हैं लूम सोलर के लगे हुए हैं, मतलब कि कम मार्केट में तो ऐसे पता है कि बहुत सारी कंपनी है जो सोलर लगवाती है, तो मतलब कि क्या मतलब ऐसा क्या चीज लगा कि आपको लूम सोलर ही लगवाना चाहिए? मतलब मैंने लूम सोलर के बारे में ऑनलाइन रिसर्च किया बिल्कुल, तो उसमें मुझे टॉप 10 में दिखी है, इंडिया के टॉप 10 में दिखी है और जो इसकी टेक्नोलॉजी है वो सबसे अच्छी मुझे लगी, इस वजह से मैंने लूम सोलर को ही चुना। बिल्कुल। तो जैसे मतलब कि सर जानना चाहता हूँ ये जो आपने ये लगाया हुआ ये कितने किलोवाट का आपका ये सिस्टम लगा हुआ है? ये पूरा हमारा 4 किलोवाट का सिस्टम लगा हुआ है। तो ये 4 किलोवाट का जो सिस्टम लगाया हुआ है जिसमें मतलब 4 किलोवाट में अभी आप क्या क्या चीज इसमें से चला लेते हैं? हम इसमें 4 किलोवाट में हमारे दो एसी चल रहे हैं, बाकी घर के जितने अप्लायंसेस होते हैं फ्रिज है, टीवी है, वॉशिंग मशीन है, सारी चीजें चल रही हैं। तो 4 किलोवाट में मतलब कि दोस्तों दो एसी चल जा रही हैं। तो मतलब सर ये मतलब कि दिन में मतलब कि सिर्फ चलती है या रात में, मतलब रात के क्या सिस्टम रहता है? ये ऑन ग्रिड सिस्टम में हमारा लगा हुआ है, इसमें क्या होता है कि ये डायरेक्टली ग्रिड से कनेक्ट होता है बिल्कुल, तो दिन में सोलर से चलता है और रात में आपके जो ग्रिड कनेक्शन है उससे चलता है। मतलब की एक तहत ये हो गया कि मतलब आपका जो बिजली का बिल जो कि बिल्कुल कम कर देगा, ये बिजली का बिल आपका हमें जैसा बताया गया था कि 90% तक कम हो जाता है जो कि मेरा हो चुका है। तो बेनिफिट आपको कैसा रहा है इसमें? मतलब एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है हमारा इसका जी। 3 महीने हो चुके हमारे इसको लगे हुए जी और हमारा बिजली का बिल काफी कम हो चुका है। तो जैसे 4 किलोवाट का आप जब कनेक्शन में मतलब सोलर पैनल लगवाया था तो मतलब कितना क्या खर्चा आया था, क्या सब्सिडी वगैरह मिली थी आपको? हाँ जी सब्सिडी मिली है मुझे। तो मतलब कि 1 किलोवाट में कितनी सब्सिडी देती है गवर्नमेंट? 1 किलोवाट का तो नहीं पता लेकिन 4 किलोवाट में 1,08,000 की सब्सिडी आई है। तो उसका क्या प्रोसेस क्या रहता है जैसे सब्सिडी लेने का? जैसे कोई डायरेक्ट पैनल लगवाना चाहता है, बहुत सारे व्यूअर्स है, काफी ज्यादा लोगों के बिजली के बिल बहुत ज्यादा आ रहा है इस टाइम पे, तो अगर वो लगवाना चाहते हैं तो मतलब क्या बेनिफिट रहने वाला है उसमें? मतलब कैसे लगवाएंगे, उसके बाद में उनको किस तरीके से उनको मिलने वाला है जो कि सब्सिडी मिलती है, उसका क्या प्रोसेस है थोड़ा सा बताइए। ये हमने देखिए हमने जिनसे लगवाया ओम सोलर इंटरप्राइजेस से बिल्कुल, हमने उनसे संपर्क किया जी जी, उनसे जब संपर्क करने के बाद उन्होंने सारा मेरा एप्लीकेशन वगैरह भरी पीएम सोलर योजना में जी और उन्हीं के थ्रू हमको पूरा उन्होंने गाइड किया और उन्होंने ही सब्सिडी वगैरह सारा काम कराया है मेरा बिल्कुल। मतलब कि कुल मिला के आपको दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट ओम सोलर के पास, ओम सोलर इंटरप्राइजेस रामनगर में कानपुर में स्थित है ये बिल्कुल। तो दोस्तों ये यहाँ पे क्या है कि अगर आप सोलर पैनल लगवाते हैं तो सब्सिडी जो बता रहे हैं, मतलब आपकी सब्सिडी कितने दिनों में आ गई थी? सब्सिडी हमारे नेट मीटर लगने के 30 दिन के अंदर आ गई थी बिल्कुल। तो सर जैसे एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए आपने 4 किलोवाट का लगवा लिया है सोलर पैनल और अगर आपकी खपत 2 किलोवाट की है
तो अगर जो बिजली इसमें ज्यादा बनती है तो उसका क्या बेनिफिट रहता है? सर उसका बेनिफिट ये रहता है कि जैसे हमारा नेट मीटर नीचे लगा हुआ है बिल्कुल, तो उसमें क्या होता है जब हम जितनी बिजली खर्च कर रहे हैं वो तो सोलर लेता है, बाकी जो एक्स्ट्रा बिजली होती है वो हमारे डिस्कॉम को या किसको को जो भी डिपार्टमेंट है यहाँ पे बिजली विभाग को एक्सपोर्ट हो जाती है। अच्छा अच्छा, तो मतलब उसको एक्सपोर्ट हो जाती है उस पर आपको सब्सिडी मिल जाती है? नहीं, एक्सपोर्ट जो हो जाती है बिजली तो क्या होता है रात में तो सोलर नहीं चलता अपना, बिल्कुल, तो बिल्कुल। जो दिन में एक्सपोर्ट हुई है बिजली वो रात को कंज्यूम हो जाती है। मतलब कि जो भी जितनी बिजली बचती है वो डायरेक्ट मतलब कि गवर्नमेंट के पास चली जाती है, जो रात में आप यूज करते हैं उसमें माइनस हो जाती है, माइनस हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये चीजें होती है दोस्तों। मतलब कि आपका जो बिजली का बिल है, मतलब सर ये बताइए पहले आप ये जब ये पैनल नहीं लगवाए थे तो आपका पहले कितना बिल आता था, अब किस तरीके से? पहले हमारा बिल आता था करीब 7,000-8,000 का बिल आया करता था। बिल्कुल, उसमें तब भी दो एसी चला करते थे तो 7-8,000 का बिल आता था। और इस टाइम पे मतलब इस टाइम पे हमारा बिल हो गया सर 700-800-500 का भी आ जाता है। एक्चुअली जो इसमें जो फिक्स चार्जेस होते हैं जी जी बिजली विभाग के, बस हमें वो देने पड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बाकी हमें और कुछ नहीं देना पड़ता, बाकी सारा मेरा पैसा जो है बच गया, बच रहा है हर महीने। तो मतलब कि ऐसे 7-8,000 रुपए जो इनका एक्स्ट्रा खर्च हो रहा था तो वो चीजें क्या है कि अब बिल्कुल 700-800 रुपए के अंदर में सारी चीजें हो गई हैं, तो बहुत ज्यादा मतलब कि आपको बेनिफिट इसमें से मिल रहा है। बहुत ज्यादा बेनिफिट मुझे इसमें मिल रहा है, दिख रहा है। तो अगर जैसे बहुत सारे लोगों को जिनको लगवाना है तो वो लोगों को क्या इसमें लगवाने में उनको बेनिफिट मिलने वाला है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मिलने वाला, क्योंकि मैं तो एक्सपीरियंस कर ही रहा हूँ बिल्कुल बेनिफिट का। तो मैं सबसे कहूंगा कि ये जरूर लगवाना चाहिए और आने वाले समय की मांग भी यही है। बिल्कुल, और इससे हम सबसे बड़ी चीज क्या है जो मुझे लगवाने के बाद मुझे महसूस होता कि मैंने एनवायरमेंट के लिए बहुत अच्छी काम किया है। सही बात है। तो सबसे मतलब सर ये जानना चाहता हूं ये जो पूरा आपका सब्सिडी हटा करके कितना खर्चा आया था, आपका जो भी स्ट्रक्चर लगा हुआ है ये सभी चीजों में कितना खर्चा लगा था? अगर किसी को अगर जैसे 4 किलोवाट का कनेक्शन लगवाना है, आप तो लगवा चुके हैं, तो आप ये बताइए कि मतलब कितना खर्चा लगा लोगों को? 2,40,000 रुपए हमारा खर्चा आया था इसमें 4 किलोवाट में, मतलब सब्सिडी हटा करके। सब्सिडी हटा करके मतलब सब्सिडी 1,08,000 अलग है उसमें। जी जी, सब्सिडी मतलब की हटा करके दोस्तों 2,00,000 कितना बताया? 2,40,000 रुपए आया, जो कि स्ट्रक्चर वगैरह में तो कोई सब्सिडी वगैरह मिलती नहीं है, सिर्फ पैनल में ही मिलती है। वो पूरे सिस्टम पे मिलती है, पूरे सिस्टम पे मिलती पूरे है, पूरे सिस्टम पे मिलती है। जो आपका 4 किलोवाट का जो इंस्टॉलेशन है उस पे 1,08,000 रुपए सब्सिडी आपको मिलेगी। बिल्कुल, तो ये जो मतलब 3 किलोवाट से लेकर के 10 किलोवाट तक 1,08,000 की सब्सिडी है। बिल्कुल, तो जितने भी स्ट्रक्चर वगैरह लगे वो सारा फिटेड जो भी सारा ओम सोलर इंटरप्राइज श्यामनगर के थ्रू पूरा इंस्टॉलेशन हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये चीज है दोस्तों। ये चीज बहुत सारे लोगों को ये लग रहा था कि सिर्फ पैनल में सब्सिडी मिलती है, मतलब कि जो भी आपका जितना भी खर्चा आता है उसमें आपको सब्सिडी जो है मिल जाती है, तो ये सारी बेनिफिट रहने वाली है। तो सर ये बता जानना चाहते हैं मतलब इसमें आपका कोई चॉइस करने के लिए आता है कि जितने भी स्ट्रक्चर लगे हुए हैं कि ये जो डिफॉल्ट बाई होता है वो अपने आप लगा देते हैं आकर के? नहीं नहीं, पहले दिखाते हैं, बताते हैं हमको कि कौन सा स्ट्रक्चर लगेगा। जी, ये पूरा जीआई का स्ट्रक्चर है बिल्कुल, जिसमें उन्होंने बताया ना इसमें कभी जंक लगना है ना कुछ, कोई चीज नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और बाकी ये सिविल वर्क तो हमें कराना पड़ता है, ये सिविल वर्क अपनी मजबूती के लिए मैंने करा रखा है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, और इसमें पतला भी आता है मोटा भी आता है, लेकिन जो इस कंपनी ने लगाया है ओम सोलर इंटरप्राइजेस ने, ये बहुत ही मजबूत 2 mm का हमारा पूरा स्ट्रक्चर लगाया हुआ उसने। तो सर ये आपके जो ये पैनल है कितने वाट, कितने कितने वाट के पड़े ये हुए? 550 का एक है, इसमें 8 पैनल लगे हुए हैं। 8 पैनल देख सकते हैं दोस्तों, 8 पैनल लगे हुए हैं, 1, 2, 3, 4। तो इस तरीके से 8 इसके छोटे पैनल भी आप लगवा सकते हैं, बड़े पैनल भी लगवा सकते हैं। तो मतलब कि इस पे सर ये जानना चाहते हैं कि जैसे आप देख रहा हूँ कि चारों तरफ ये पैनल लगे हुए हैं, तो अगर किसी को और ज्यादा पैनल लगाना है और बिजली बहुत सारी जगह पे मैंने देखा हूँ कि बिजली वो लोग सेल भी करते हैं, तो क्या जैसे कि उसमें सेल करने के बाद में उसमें पैसा भी एक्स्ट्रा मिलता है, ऐसा भी कुछ सुविधा होती है क्या उसमें? अभी तो ऐसी सुविधा है, लेकिन जो आपकी 31 मार्च को जी जी हर साल के 31 मार्च के आज जो भी एक्स्ट्रा यूनिट जो बिजली विभाग के पास है बिल्कुल बिल्कुल उस पे जो है वो कुछ सेटलमेंट करते हैं जी, जिसमें कि मुझे बताया गया कि जैसा कि 2.72 रुपए के हिसाब से या 3 रुपए के हिसाब से सेटलमेंट करते हैं आपके एक्स्ट्रा यूनिट का। बिल्कुल, तो सबसे खास बात यह है, ये वीडियो बनाने का पर्पज हमारा दोस्तों यही था कि अगर आप ये लगवाते हैं सोलर पैनल तो आपको यहाँ पे जो है मतलब सब्सिडी जो है मिलने वाली है। तो सर ये थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि अगर कोई 1 किलोवाट का सिस्टम लगवाता है तो उसको कितनी सब्सिडी मिलती है? 1 किलोवाट का तो मीटर ही नहीं लगता सर। जी जी, 2 किलोवाट का मिनिमम मीटर लगता है। सरकार की तरफ से है कि 1 किलोवाट कोई लगवाता है तो उसको सब्सिडी है 45,000 रुपए। जी जी, और 2 किलोवाट से स्टार्ट है जी, और 2 किलोवाट में 90,000 रुपए की सब्सिडी है। बिल्कुल बिल्कुल, और फिर 3 किलोवाट से लेके 10 किलोवाट तक 1,08,000 की सब्सिडी है। बिल्कुल,
तो दोस्तों इसमें क्या है कि 1 किलोवाट का जो सिस्टम लगता तो है, लेकिन क्या है कि जल्दी से क्या है कि कोई अभी लगवा नहीं रहा, क्योंकि 1 किलोवाट जो एक वाट होता है वो एक कॉमन होता है, मतलब नॉर्मल सा वाट होता है, तो उसमें लगवाने का कोई बेनिफिट भी नहीं है। अगर आप 2 किलोवाट 3 किलोवाट के ऊपर जाते हो तो आपको ज़्यादा ही बेनिफिट मिलती है। तो सर ये जानना चाहता हूँ, ये सारा जो आपका पैनल लगा हुआ है इसका कंट्रोलर कहाँ पे लगा हुआ है, थोड़ा सा दिखाएंगे? कंट्रोलर इसका नीचे लगा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग नीचे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे किस तरीके से इसका जो है बिजली का जो है इसका में सब्सिडी किस तरीके से मिलती है और ये ग्रिड सिस्टम किस तरीके से लगा हुआ है, वो हम आपको नीचे तो चलकर दोस्तों दिखाएंगे। देख सकते हो यहाँ पे जो सारा सिस्टम लगा हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो भैया थोड़ा सा बताइए, मतलब ये क्या क्या ये चीजें यहाँ पे लगी हुई है, ये देख सकते हो आप। ये हमारा इन्वर्टर लगा हुआ है, जी जी ये 4 किलोवाट का इन्वर्टर है लूम सोलर का। ठीक बिल्कुल है, इसमें सारी चीजें आती हैं, कितनी आपकी बिजली बना रहा है। जी, ये देख सकते हो आप, यहाँ पे हर चीज ये आपको देखिए, देखने के लिए इस मिलने समय वाली है। टोटल डीसी पावर इतनी किलोवाट आ रही है, जी ये देख ये सकते हो, इस वोल्टेज कितनी आ रही है, ग्रिड से कितनी आ रही है, और आज इसने देखिए अभी कितना कितनी बनाई है, 9.6 यूनिट अभी तक बना चुका है, मतलब कि 9 यूनिट बन चुकी है नौ इसकी, यूनिट बन 9 यूनिट चुकी दोपहर है 12 बजे तक। है, बिल्कुल। नौ अभी तक 12 बजे तक तो 9.5 यूनिट सर बन जो ये चुकी है। आपका जो 4 किलोवाट का सिस्टम लगा हुआ है, तो ये मतलब एक दिन में कितने यूनिट बिजली बना देता ये है? करीब 20 से 22 यूनिट बिजली बनाता है ये 20 से 22 यूनिट बना देता है अभी। दिल्ली के। बहुत बढ़िया। तो देख सकते हो दोस्तों इस तरीके से सारा सिस्टम लगा हुआ है। तो ये सर ये मतलब किस स्टेप से थोड़ा हाँ, सा बताएंगे? ये ऊपर से कनेक्शन आया हुआ जी है। जी ठीक है, ये इसके अंदर आता है, डीसीटीवी बॉक्सेस को बोलते हैं, बिल्कुल डीसीटीवी बॉक्स से ये इन्वर्टर में जाता है, जी और इन्वर्टर से और इसमें ये मेन लाइन आती है अपने जो बिल्कुल ग्रिड से लाइन है, इसको एसीडीवी बॉक्स बोलते हैं, जी ये जी फिर इन्वर्टर में जाती है लाइन, दोनों लाइनें बिल्कुल इन्वर्टर में जाती हैं, और यहीं बिल्कुल। से पूरी एक्सपोर्ट होती है और एक बिजली। खासियत और है इन्वर्टर में लूम सोलर की, कि जी जी इसमें हमारा जो है ना जी वो ये वाईफाई वाईफाई सिस्टम भी लगा हुआ है, सिस्टम, ये देखिए तो वाईफाई सिस्टम लगा हुआ है। इसका क्या सिस्टम रहता इसका सर? सिस्टम ये है कि घर के नेट से कनेक्ट हो जाएगा, जी और आप अपने मोबाइल पे कहीं पे भी बैठे हो देख बिल्कुल सकते हैं कि कितनी बिजली वो बना रहा है, कितने नहीं बना रहा, कितने वाट पे चल रहा है, कितने किलो वाट पे नहीं चल रहा है, तो सारा हम इसमें हम ऑनलाइन भी तो आप देख देख रहे हैं। सकते हो इस ऐप में मोबाइल के द्वारा आप अपना सारा सिस्टम देख सकते हैं किस तरीके से अर्निंग वगैरह। तो भैया थोड़ा सा बताइए इसमें अर्निंग वगैरह कैसा क्या बता रहा है इस ऐप ये में? देखिए आज की अर्निंग बता रहा है 67.2 रुपीज की, जी जी और टोटल इस महीने की अर्निंग जो हो चुकी है वो 3819 रुपए की, हम बिजली जो इससे सोलर से जला चुके हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ये जिसका देख हमें कोई सकते हो पैसा नहीं देना। जी, ये देख सकते हो और आप, आज इसने बनाया है देखिए 9.6 यूनिट, अभी अभी कितना बज रहा है, अभी 1 बज रहा एक है बजा अभी। हुआ है, अभी 9.6 यूनिट ही बना चुका है, जबकि आज बिल्कुल बादल भी है जी काफी, जी बहुत, मतलब आज का मौसम थोड़ा सा कूल है, और पाँच टोटल इस महीने में अभी तक यूनिट बना चुका है 545 यूनिट सौ जुलाई पैंतालीस में। यूनिट तो ये चीज़ आप देख सकते हैं अपने फ़ोन में भी आप कनेक्ट करके देख सकते हैं, सारी चीज़ें जो है आपके फ़ोन में ही दिख जाने वाली है। तो हर चीज़ें जो है आप देख सकते हैं, या फिर फ़ोन में आपकी कितनी इनकम हुई, कितने की बिजली आपकी बचत हुई, कितना क्या हुआ, सब चीज़ें आप अपने फ़ोन से ही कंट्रोल कर सकते हैं। ये बेनिफिट भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो मतलब कि सर ये कहना चाहते हैं कि जो भी आपने लगवाया लूम सोलर का सिस्टम, तो उससे आपको बेनिफिट बहुत ज़्यादा बहुत रहने ज्यादा वाला है। बेनिफिट है हमको, मैं पूरी तरह सेटिस्फाइड हूँ, सर्विस खुश हूँ, बिल्कुल सर्विस बहुत अच्छी है इनकी, जी, तो अभी जैसे आज तक बहुत मतलब कभी कोई दिक्कत हुई नहीं, तो बाकी सर्विस कहते हैं बहुत अच्छी है, लेकिन अभी तक हमें कोई दिक्कत ही नहीं, तो सर्विस बिल्कुल तो लेने की बिल्कुल। जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो जैसे अगर किसी को, बहुत सारे हमारे व्यूवर्स हैं, अगर वो लोग इस तरीके का सिस्टम लगवाना चाहते हैं, तो आप मतलब कि क्या कहना चाहेंगे, उनको लगवाना चाहिए या क्या उनको कहना चाहिए? बिल्कुल लगवाना हमने है, लगवाया लगवाया है ओम सोलर इंटरप्राइजेस श्यामनगर कानपुर में, बिल्कुल और जिनका अगर अगर आप अपने व्यूवर्स को मेरे उनका नंबर देना चाहें तो दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, हाँ मैं डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर भी दे दूंगा, आप उनसे संपर्क भी कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।